उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में रत्नों और रुद्राक्ष के लिए भी मशहूर शहर है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने के विभिन्न लाभों के बारे में विस्तार में बताया गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से निर्मित हुआ है। इसी के कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है या फिर उसे अपने पास रखता है तो उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और समय के साथ हर तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ बाद में ही कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। वहीं हम आपको ऐसी ही चार जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको रुद्राक्ष धारण करके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर इन चार जगहों पर आप रुद्राक्ष धारण करके जाते हैं तो उसकी वजह से आपको दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। वे चार जगह कोई और नहीं बल्कि ऐसी जगह हैं जहां मांस मदिरे का सेवन होता हो या फिर जहां किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। इसके साथ ही ऐसा स्थान जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो वहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नियमानुसार रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसके आपको विभिन्न लाभ मिलते हैं। साथ ही रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण सोमवार, शिवरात्रि या फिर प्रदोष के दिन पहनने से इंसान को विभिन्न लाभ होते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए जो कोई भी रुद्राक्ष धारण करता है उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शास्त्रों और पुराणों में रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व बताया गया है और रुद्राक्ष पहनने से हर प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा बनती है और अलग अलग रुद्राक्ष का अलग अलग लाभ भी होता है अलग अलग मुखी का। और रुद्राक्ष पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। रुद्राक्ष से शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है और हर प्रकार के लाभ भी होते हैं रुद्राक्ष से। और आप लोगों को ज्ञात है कि रुद्राक्ष कई जगह पहनना चाहिए, कई जगह पर नहीं भी पहनना चाहिए। जैसे कि रुद्राक्ष जहाँ पर मृत्यु हुई है, शमशान में और सोते समय, और कई ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष पहनना भी बहुत शुभ माना गया है, इसके लिए दिन भी निर्धारित है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और आपका सोमवार के दिन धोकर रुद्राक्ष पहनने से बहुत ही लाभ होता है। हर हर महादेव। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।